Assalamu alaikum students, our today's topic is the law of mass action. Introduction of this law is the law of mass action was given by Goldberg and Welch in 1869. The two scientists studied a lot of reversible reactions and put forward this law. उन्होंने बहुत सारे reversible reactions को study किया और उसके बाद उन्होंने ये law present किया in 1869. ये MCQ में भी आ सकता है कि when this law was presented. In 1869. So this law can be stated as the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass. कि कोई भी substance जब react करता है तो एक खास speed पर एक खास रफ्तार पर react करता है जिसे हम rate कहते हैं. तो किसी भी substance के react करने की जो speed है जो rate है वो depend करता है on its active mass. कि हमारे पास जितना किसी सब्सटेंस का मास ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी रिएक्ट करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कि जब हम रिएक्शन के रेट की बात करते हैं कि एक रिएक्शन की रफ्तार क्या होगी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो भी उसमें रिएक्टेंट्स मौजूद हैं अगर हम रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेस का मल्टीप्लिकेशन ले लें प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन कि जितने भी उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मौजूद हैं उनके मैसेस को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो हम मालूम कर सकते हैं सो व्हाट इज मेंट बाय एक्टिव मास एन एक्टिव मास इज कंसीडर्ड एज द मोलर कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है वो कॉन्सेंट्रेशन वो अमाउंट या वो मिकदार जो कि हम मोल्स की शक्ल में कैलकुलेट करें दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिव मास और मोल्स आपने नाइन्थ में पढ़ा था क्या चीज़ है मोल्स मोल्स आर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 × 10²³ पार्टिकल्स मोल किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट है वो मिकदार है जिसमें 6.02 × 10²³ पार्टिकल्स मौजूद हों उसको हम एक मोल कहते हैं तो हमारे पास एक्टिव मास को हम कंसीडर करते हैं मोलर कंसंट्रेशन और जिसके यूनिट्स होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब कि एक डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स किस सब्सटेंस के मौजूद हैं और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से ये एक्टिव मास की डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है सो हियर इज़ द डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का जो एक्सप्रेशन है उसको हम किस तरह डिराइव कर सकते हैं उसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन किसमें हमारे पास जो है ए प्लस बी दे कम्बाइन टू फॉर्म सी प्लस डी वेन दे कम्बाइन दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड वेन सी प्लस डी दे अगेन फॉर्म्स ए प्लस बी दैट इज कॉल्ड अ रिवर्स रिएक्शन और अगर हम इनको सपोज करें कि ए बी सी एंड डी रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स दे आर द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली मोलर कंसेंट्रेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई इनकी अमाउंट जो है वैल्यूज़ होनी चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो वैल्यू लिखी होगी वो क्या होगी उसकी मोलर कंसंट्रेशन कि यहाँ पर जो है हमारे पास हम क्योंकि सपोज कर रहे हैं ये रिएक्शन तो इसलिए हमने लिख दिया कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में ए को लिख दिया इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है ए की मोलर कंसंट्रेशन हैं कि ए हमारे पास कितने मोल्स मौजूद है वन मोल्स मौजूद है टू मोल्स मौजूद है एंड सो ऑन और ये जो है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स किसको शो करती हैं मोलर कंसेंट्रेशन को या एक्टिव मास को जिसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब